सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का डीवी कारन बाइक एक और नई वीडियो में। तो बेसिकली आज हम आए हैं टोयोटा के शोरूम में फॉर्च्यूनर की टेस्ट ड्राइव लेने। सो बेसिकली हम जो गाड़ी आपको पता होगा हमारी एक्स यू वी 7 डबल आने वाली है, वो आने वाली है अप्रैल में। बट हमारा जो प्लान है कि यार अप्रैल में बहुत टाइम है अभी, तब तक थोड़ा बहुत बजट पुश करके अगर फॉर्च्यूनर आ जाती है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भाई फॉर्च्यूनर जैसा रिलायबिलिटी तो कहीं नहीं मिल सकती ना। तो इसी चक्कर में हमारा थोड़ा सा जो प्लान बन रहा है वो बन रहा है कि फॉर्च्यूनर खरीदने का। तो ट्राई करते हैं कि कितने की पड़ेगी, क्या है उसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कौन सी फॉर्च्यूनर हम देखने आए हैं, कितने की पड़ेगी, क्या क्या फीचर होंगे, वो सारी डिटेल आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। तो हाँ भैया रेडी हैं? बिल्कुल। लेकिन महिंद्रा वाले के साथ गलत कर रहे हो आप। नहीं मैं ले थोड़ी हूँ, अभी जब मैं बुक करा दूंगा जब गलत करूंगा। ठीक है, मतलब करने तो वाले। चलो फिर चलते हैं और टोयोटा का शोरूम। गलत नहीं करेंगे, ऑलरेडी एक गाड़ी ले चुके हैं हम। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है। तो भाई बैठ गए हम फॉर्च्यूनर के अंदर और मतलब सही लग रही है यार अंदर से। देखो कितनी स्पेस है, मतलब बहुत ही सही स्पेस है, मतलब बढ़िया लग रही है। पीछे से भी अगर हम देखें, पीछे देखो कितना स्पेस है, पीछे भी बढ़िया स्पेस है। ये है सामने से, यहाँ पे ये जो इसके IRVM है वो भी आपको ऑटो मिल जाते हैं। इसमें एक्सेसरीज में आपको ऑटो फोल्डिंग और भी मिलते हैं, बट इसमें क्या हो गया क्योंकि भाई वेटिंग बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा वेटिंग है, तो इस वजह से 1,00,000 रुपए की आपको एक्सेसरीज ऑलरेडी आते ही गाड़ी डीलरशिप पे पहुंचते ही लग जाती है। ऐसा इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे सामने से है, मतलब ठीक है यार, मतलब रिलायबिलिटी के साथ अगर इतनी सारी चीजें मिल जाए तो और क्या चाहिए जीवन में। बट हाँ भाई देखो ओवर प्राइस तो है, ये तो सबको पता है, लेकिन नहीं फिर भी यही है क्योंकि और कोई इससे बड़ी ऑप्शन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये है इसका बूट स्पेस, मेरे को लग रहा है अच्छी खासी जगह मिल रही है, मैं और रूरू इसमें सो सकते हैं बहुत जगह। और इसे तो हम क्या ही करेंगे, इसे निकाल दिया करेंगे हम सीट्स को, निकली पड़ी है साइड में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम टोयोटा फॉर्च्यूनर की टेस्ट ड्राइव लेने गए थे, बट हमें टेस्ट ड्राइव मिली ही नहीं। उसका कहीं ना कहीं रीजन था कि डीलरशिप के पास वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल ही अवेलेबल नहीं था कि वो हमें टेस्ट ड्राइव दे सके। सो यार हमारा मन तो बहुत था कार को बुक करके आने का, क्योंकि इसकी वेटिंग पीरियड ही इतना ज्यादा होता है कि अगर आप आज बुक करोगे तो आपको 4-5 महीने बाद जाके डिलीवरी मिलेगी। तो इस वजह से हम सोच रहे थे कि इसको बुक कर देते हैं, बट जब तक हमने कार चला कर ही नहीं देखी हम उसे कैसे बुक कर सकते हैं। प्लस जो दूसरी बात वहां पर डीलरशिप के साथ हुई कि उन्होंने बोला कि अगर हम कार देंगे तो आपको 1,10,000 रुपए की एक्सेसरीज लगाकर ही देंगे, उसके बिना नहीं देंगे। वो उन्होंने डीलरशिप का अपना एक रूल बना रखा है कि हम बिना एक्सेसरीज के आपको व्हीकल नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं जो हमको वर्दी नहीं लगा कि यार 1,10,000 की जो एक्सेसरीज होती है वो हम उसमें अपग्रेड करने के बाद उस व्हीकल को नहीं ले सकते हैं, वो हमारे लिए कोई भी जरूरी नहीं थी एक्सेसरीज अपडेट करना। एक तो फॉर्च्यूनर के प्राइस आपको पता होंगे कितने ज्यादा हाई है, लाइक ऑलमोस्ट 42 लाख। प्राइस वर्दी है नहीं उसकी बात नहीं करना, जस्ट दैट कि महंगी तो है। उसमें हम ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने की लाइक ट्राई करते हैं कि हमें अच्छा डिस्काउंट मिल सके सारी चीजें, बट जब उसका प्राइस हमें 1,10,000 सिर्फ एक्सेसरीज का देना पड़ रहा है तो वो हमें नहीं चाहिए था। प्लस दूसरी बात है कि उसका टेस्ट ड्राइव ही अवेलेबल नहीं थी, तो बिना गाड़ी चलाए तो हम बुक नहीं कर सकते थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा वेट करते हैं कि जनवरी में। नाउ जनवरी आ गई है, 2022 आ गया है एंड फॉर्च्यूनर पर अब प्राइजेस हाइक हो गए हैं, जो हमें पहले से पता था कि यहाँ प्राइजेस हाइक हो जाएंगे। जो प्राइस हाइक हुए हैं वो 66,000 से लेके 1,10,000 तक के प्राइजेस बढ़ा दिए हैं कंपनी ने। लाइक सोच रहे हो पहले से इतनी महंगी है, लाइक ऑलमोस्ट हमें 43 लाख की पड़ रही थी। हम 4x4 देख रहे थे मैनुअल फॉर्च्यूनर, हम लेजेंडर नहीं देख रहे थे, जो फॉर्च्यूनर है बेसिकली वही देख रहे थे एंड वो ऑलमोस्ट 43 लाख की पड़ रही थी विद एक्सेसरीज। ओके 43 लाख समथिंग की पड़ रही थी। अब ना उस पर आप ऑलमोस्ट मान लीजिए 80 से 90 हज़ार रुपये हाइक कर दिए गए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 66,000 से लेके 1,10,000 रुपये तक का बढ़ा दिया गया है कंपनी ने। एंड अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शंस का, तो जब से फोर्ड गई है तब से तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ऑप्शन ही नहीं रहा है कि अगर हमें एक 7 सीटर चाहिए वो भी 4x4 एंड जो रिलायबल हो। तो दो ही कार बहुत ज़्यादा रिलायबल है, एक आपकी फॉर्च्यूनर एंड आपका फोर्ड की जो एंडेवर थी। अब फोर्ड एंडेवर अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से फॉर्च्यूनर की काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमर्स है वो बढ़ गए हैं, पहले से भी बहुत ज़्यादा थे लेकिन और ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है कि अगर हमें कहीं दूसरे डीलरशिप से एक अच्छी डील मिल पाती है तो उसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके देखेंगे एंड फिर सोचेंगे कि क्या हमें बुक करने में फ़ायदा रहेगा या नहीं रहेगा। बट अभी क्योंकि हमारी सिटी में इतना ज़्यादा लाइक बड़ी सिटी नहीं है, मेरठ एक नॉर्मल सी सिटी है, यहाँ पर सिर्फ एक ही डीलरशिप आपको देखने को मिलता है टोयोटा का एंड उस पर तो टेस्ट ड्राइव व्हीकल भी
अवेलेबल नहीं है। अभी ये भी न्यूज आ रही है कि टोयोटा का जो हाइलक्स है वो भी एक जो कि एक पिकअप ट्रक है, लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक, वो भी लॉन्च होने वाला है। तो लेट्स सी उसकी क्या प्राइसेस रहती है, कब लॉन्च होता है, कब तक अवेलेबल हो जाएगा, फिर उसके बारे में उसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके देखेंगे कि क्या पॉसिबल है उसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह लेना एंड कब तक हमें मिल सकता है। तो उस बिहाफ पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या XUV700 ही आएगी, क्योंकि XUV700 तो बुक कर रखी है, उसके पैसे तो दे रखे हैं, वो तो अप्रैल में आने वाली है। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं अगर उससे पहले हमें कोई एक बेटर ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि हमें चाहिए एक 4x4 व्हीकल जो कि ज़्यादा रिलायबल हो। अब XUV700 में ऑल व्हील ड्राइव तो है बट 4x4 नहीं है, प्लस साथ में जहां पर उसमें इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल चीजें हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई रहेगी। तो इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कुछ ऐसा व्हीकल मिल जाए जिसमें मेंटेनेंस थोड़ी सी कम रहे, जो कि रिलायबिलिटी हमें थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए, जो कि हमें टोयोटा के व्हीकल्स में देखने को मिलती है। सो जस्ट उसी के लिए ऑप्शंस देख रहे हैं। तो अभी हमारा कोई प्लान नहीं है फॉर्च्यूनर का, देखते हैं हाइलक्स के आने के बाद क्या हाइलक्स की तरफ हम लोग जाते हैं या फिर XUV700 तो आने ही वाली है। सो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। यार गए तो थे हम टेस्ट ड्राइव लेने बट टेस्ट ड्राइव मिली नहीं और इतनी सारी चीज़ें पता चल गई, और अब जनवरी आ गया, 2022 आ गया है और ऑलरेडी 1,10,000 के आसपास प्राइस बढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।